हेलो फ्रेंड्स नमस्कार दिस संजय आपका स्वागत है इस वीडियो सीरीज़ के पार्ट सेवन में जिसमें हम वाइगॉड्स की के सोशोकल्चरल थियोरी जेड पी डी और स्कैफोल्डिंग के संबंधित हंड्रेड एंड फिफ्टी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से ये वीडियो इस सीरीज़ का पार्ट सेवन है अगर आपने इस सीरीज़ को कहीं बीच में से देखना शुरू किया है तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इसे पार्ट वन से देखें जिसमें मैंने सोशो कल्चरल थियरी जेड पी डी और दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वाइगॉड्सकी के बारे में जो क्वेश्चनस आते हैं और उनके थेरीज और कॉन्सेप्ट से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सी टी टी पेपर वन प्रिपरेशन के लिए ये इसलिए क्योंकि कई क्वेश्चन पेपर में सी डी पी के तीस क्वेश्चन में से बारह क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो अगर आप वाइगॉड्सकी के थेरीज और कॉन्सेप्ट से थरोली वाकिफ़ हो तो इसके अलावा जो एन ई पी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इससे संबंधित क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो वाइगॉड्सकी के थेरीज और कॉन्सेप्ट को यूज़ करके तो चलिए शुरू करते हैं लव वाइगोचकी के अनुसार जब बच्चे कुछ वर्बल डायलॉग्स कर रहे हैं अपने आप से यानी कि वर्बल डायलॉग्स द चिल्ड्रन हैव हाँ विद डेमसल्स यानी कि जब बच्चे खुद अपने आप से बात कर रहे हैं तो ये जो बात करना है उसको क्या बुलाया जाता है अब वेगाजकी की थ्योरी से अगर आप वाकिफ हो तो आप समझ सकते हो कि जब बच्चे बहुत ही छोटे होते हैं तो वो खुद अपने आप से बातें करते रहते हैं जब वो कुछ काम कर रहे हैं या फिर जब वो खेल रहे हैं और वो खुद अपने आप को कुछ इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं खुद अपने आप को रेगुलेट करते रहते हैं तो ये जो प्रोसेस है उसे प्राइवेट स्पीच बुलाया जाता है तो करेक्ट आंसर है प्राइवेट स्पीच लेव बाइकॉजकी के सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग के अनुसार इनमें से कौन सा जो फैक्टर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लर्निंग प्रोसेस में अब लेव बाइकॉजकी के बारे में जब हम सोचते हैं तो आपको इमीडिएटली एस सी एल फॉर्मूला का याद कर लेना चाहिए सोशल फैक्टर्स कल्चरल फैक्टर्स और लिंग्विस्टिक फैक्टर्स या फिर लैंग्वेज ये तीनों जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे के काग्नेटिव डेवलपमेंट में तो आंसर में देखिएगा कि इनमें से कौन सा फैक्टर मैंशन है यहाँ पर पहला वाला जो ऑप्शन है वो कल्चरल टूल्स की बात कर रहा है जो कि हमारा सी है यहाँ पर तो ये करेक्ट आंसर है लेव बाई गॉड्स कीस आइडियाज़ ऑन लैंग्वेज एंड थाट सजेस्ट दैट विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज ट्रू यानी लेव बाई गॉड्स की के जो आइडियाज थे थाट्स थे लैंग्वेज के बारे में और थाट्स के था। बारे था। में तो उनको अगर हम कंसिडर करते हैं तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अब लेव बाई गॉड्सकी का थेरी क्या बोलता है वो ये बोलता है कि बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिलता है सोशल इंट्रैक्शन से और कल्चरल फैक्टर से ये इन्फॉर्मेशन को बच्चे थ्रू लैंग्वेज अक्वायर कर पाते हैं यानी लैंग्वेज वो माध्यम है जिसके थ्रू बच्चे इन्फॉर्मेशन को ले पाते हैं सोशल इंट्रैक्शन से और कल्चरल फैक्टर से और लैंग्वेज एक सिस्टम भी है थिंकिंग का लॉजिक का और रीजनिंग का तो लैंग्वेज क्या करता है इस इन्फॉर्मेशन को गैदर करने में मदद करता है अक्वायर करने में मदद करता है और इस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने में भी मदद करता है ताकि बच्चे उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके अपने दिमाग में नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं अब ये नॉलेज जो है उसे हम इस कॉन्टेक्स्ट में कॉग्निशन भी बुला सकते हैं अब अगर सारे ऑप्शंस को कंसिडर करते हैं तो लास्ट वाला बोल रहा है कॉग्निशन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज यानी कि लैंग्वेज और कॉग्निशन uh, या फिर नॉलेज के बीच में कोई संबंध नहीं है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि लैंग्वेज के थ्रू ही कॉग्निशन या फिर नॉलेज का डेवलपमेंट हो सकता है तो ये लास्ट वाला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं है नेक्स्ट देर इज़ नो रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड कॉग्निशन ये भी कंप्लीटली गलत स्टेटमेंट है क्योंकि लैंग्वेज जो है उसी के थ्रू बच्चा इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके नॉलेज को बना पाता है या फिर कॉग्निशन को डेवलप कर पाता है तो नो no रिलेशन ये गलत स्टेटमेंट है नेक्स्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट एड्स और गाइड्स लैंग्वेज ये भी गलत स्टेटमेंट है क्योंकि ये उल्टा बोल रहा है लैंग्वेज हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज और कॉग्निशन लेकिन कॉग्निटिव डेवलपमेंट डज नॉट हेल्प इन गाइडिंग लैंग्वेज तो ये जो सच्चाई है उसका उल्टा बोल रहा है तो इसे भी हम निकाल देंगे लैंग्वेज गाइड्स कॉग्नेटिव डेवलपमेंट ये करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि जैसे जैसे बच्चे का लैंग्वेज एबिलिटी बढ़ता जाता है तो उसका प्रोसेसिंग पावर या फिर उसका नॉलेज का जो कंस्ट्रक्शन पावर है वो भी बढ़ता जाता है तो लैंग्वेज गाइड्स कॉग्नेटिव डेवलपमेंट ये करेक्ट स्टेटमेंट है लेव बाई गॉड्स की सोशियो कल्चरल थियरी एम्फोसाइजेस टीचिंग एंड लर्निंग थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग यानी लेव बाई गॉड्स की जो सोशियो कल्चरल थियोरी है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थियोरी है तो वो टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस को किस तरह डिस्क्राइब करता है कि किस तरह ये टीचिंग एंड लर्निंग होता है अब जब हम लेवाई गॉजकी की सोशल कल, सोशो कल्चरल थियोरी की बात कर रहे हैं या फिर सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी की बात कर रहे हैं तो कुछ की वर्ड्स होते हैं जो हमें नोटिस करना चाहिए क्योंकि जब हम बहुत सारे लेव वाइगॉजकी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि सोशल कल्चरल लैंग्वेज पियर इंट्रैक्शन मोर नॉलेजबल अदर्स कैफोल्डिंग क्यूसन हिंट्स तो ऐसे कुछ की वर्ड्स होते हैं जो आंसर चॉइसेस में होते हैं जो कि हमें इंडिकेट करते हैं कि ये करेक्ट आंसर है अब अगर हम सारे ऑप्शंस को देखते हैं तो यहाँ पे पीयर इंट्रैक्शन जो कि सोशल इंटरेक्शन्स है और पीयर इंटरेक्शन यहाँ पे सेपरेटली हमने मेंशन भी किया हुआ है और स्कैफोल्डिंग स्कैफोल्डिंग भी लेवाइगॉज की की थियरी में मैंशन किया जाता है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन थ्री है अब अगर बाकी ऑप्शंस को देखते हैं तो रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट ये बिहेवियरल ट्रेनिंग हो गया तो ये लेबाइगॉज की थियरी के, के अनुसार नहीं है ड्रिल एंड रिकॉल ये भी मेमोराइजेशन हो गया तो ये भी लेव वाइकॉजकी के थियोरी के अनुसार करेक्ट नहीं है नेक्स्ट यूज़ ऑफ अनोलोजीज एंड अलवरिदम्स ये लेव की थियरी में मैंशन नहीं किया जाता तो इसे भी हम इग्नोर कर देंगे तो ऑप्शन थ्री जो है वो करेक्ट है लेव की थियोरी मेनली फोकस ऑन एक्सप्लेनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग यानी कि लेव वाइकॉजकी का जो थियोरी है वो इनमें से कौन से स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करता है अब जैसे कि हमने पिछले बहुत सारे क्वेश्चन में देखे हुए हैं जब हम लेव बाई गॉड्स की की थीरी के बारे में बात करते हैं तो करेक्ट आंसर में कुछ की वर्ड्स होते हैं जैसे कि सोशल कल्चरल लैंग्वेज पीयर इंट्रैक्शन मोर नॉलेजबल अदर्स स्कैफोल्डिंग एंड हिंट्स तो अगर हम क्विकली सारे आंसर चॉइसेस को स्कैन कर लेते हैं तो देखते हैं कि कुछ आंसर चॉइसेस में इनमें से एक या एक से ज़्यादा कीवर्ड्स हो सकते हैं जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन टू में बोल रहा है कि द रोल ऑफ कल्चरल टूल्स इन कॉग्नेटिव डेवलपमेंट तो कल्चरल जो है वो यहाँ पर कीवर्ड है तो ये करेक्ट आंसर है अब बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं पहला बोल रहा है द इम्पैक्ट ऑफ हेरिडिटी ऑन डेवलपमेंट अब लेव वाइगॉज की थेरी का जो क्रिटिसिज्म है वो ये है कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स हेरिडिटरी फैक्टर्स को ये लेव की की थियोरी इग्नोर करते हैं तो इसका मतलब है लेव वाइगॉज की हेरिडिटी के बारे में बात ही नहीं करते तो इसे हम एलिमिनेट कर देंगे नेक्स्ट द बायो इकोलॉजिकल मॉडल ऑफ सोशलाइजेशन इसके इसके बारे में भी लेव वाइकॉज की की थियोरी में कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं है तो ये भी निकाल देंगे फिर द इम्पैक्ट ऑफ एट्रीब्यूशन पैटर्न ऑन मोटिवेशन ये भी लेव वाई गॉचकी की थियरी से संबंधित नहीं है तो इसे भी हम एलिमिनेट कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ ऑप्शन टू बचता है जो कि करेक्ट आंसर है लेव वाई गॉचकी का जो थियोरी ऑफ कॉग्नेटिव डेवलपमेंट है उसे क्या बुलाया जाता है वट इज दिस थियरी कॉल्ड एस ही आर्ग्यूज द चिल्ड्रंस लर्निंग टेक्स प्लेस इन ए कॉन्टेक्स्ट तो लेव बाई गॉचकी का जो थियरी है उसे हम सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी से भी कनेक्ट कर सकते हैं और इनके थियोरी को सोशियो कल्चरल थियोरी भी बुलाया जाता है तो जब सारे ऑप्शन को देखते हैं तो सोशियो कल्चरल यहाँ पर मैंशनड है तो ये करेक्ट आंसर है लेव वाई गॉड्सकी का नाम सुनते ही आपको एस सी एल के बारे में सोचना चाहिए सोशल फैक्टर्स कल्चरल फैक्टर्स और लिंग्विस्टिक फैक्टर्स लेव वाई गॉड्स कीज थियरी ऑफ कॉग्नेटिव डेवलपमेंट इज सिचुएटेड इन वॉट परस्पेक्टिव यानी लेव वाई गॉड्सकी का जो काग्नेटिव डेवलपमेंट थियोरी है वो इनमें से कौन से परस्पेक्टिव से यानी कौन से दृष्टिकोण से वो जुड़ा हुआ है अब लेववाई गॉड्सकी जो थे वो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल ऑफ थाट को सपोर्ट करते थे और लेवई गॉड्सकी का जो थियरी है हम उसे सोशियो कल्चरल थियोरी भी बुला सकते हैं तो सारे ऑप्शन को देखते हैं तो पहला ऑप्शन है सोशियो कल्चरल तो ये करेक्ट आंसर है साइकोसेक्शुअल नहीं बिहेवियरिस्टिक नहीं और हिस्टोरिकल भी इनके थियरी से संबंधित नहीं है तो ऑप्शन वन करेक्ट है लेव वाई का नाम सुनते ही आपको सोशल कल्चरल और लिंग्विस्टिक फैक्टर्स के बारे में सोचना चाहिए तो ऑप्शन वन में सोशल भी है और कल्चरल भी है तो ये करेक्ट आंसर है मोहन एक टीचर है जो कि अपने स्टूडेंट्स को अलग अलग तरह के कंटेनर्स दे रहा है यानी कि जो डिब्बे होते हैं वो दे रहा है ताकि वो वो कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम के बारे में समझ सके और फरा एक टीचर है जो कि अपने स्टूडेंट्स को बोल रही है कि तुम ब्रेन या फिर डिस्कशन करो कि ये जो वेस्ट डिस्पोजल है उसको मैकेनिकल टास्क या फिर ऑटोमेट कैसे किया जा सकता है ताकि ये ह्यूमन बींग्स के द्वारा मीनियल टास्क ना किए जाए यानी कि अगर हम वेस्ट डिस्पोजेबल यानी कूड़ा करकट को जो हम फेंकना चाहते हैं उसको अगर हम ऑटोमेट करते हैं ताकि लोगों को ये काम ना करने पड़े तो फराज जो है वो बोल रही है स्टूडेंट्स को कि तुम आइडियाज़ निकालो कि ये जो वेस्ट डिस्पोजल है उसको कैसे ऑटोमेट किया जा सकता है कैसे इसको मैकेनिकल टास्क में कन्वर्ट किया जा सकता है और मोहन जो है वो भी डायरेक्टली कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा है डायरेक्टली कोई नॉलेज नहीं दे रहा है बच्चों को वो सिर्फ कुछ कंटेनर्स दे रहा है ताकि बच्चे एक्सपेरिमेंटेशन कर सके और नॉलेज को गेन कर सके तो इन दोनों केसेस को हम देखते हैं तो बच्चे जो है वो एक्टिवली लर्न कर रहे हैं बच्चे पैसिवली बैठ के सुन नहीं रहे हैं बच्चे एक्टिवली इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मोहन के केस में बच्चे जो है वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग या फिर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और फ़रा के केस में भी बच्चे एक्सपीरियंशल लर्निंग स्किन यानी कि वो एक्चुअल उस प्रॉब्लम के बारे में सोच के उसके कुछ हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं और फरा जो है वो ब्रेन स्टार्मिंग करवा रही है यानी कि यहाँ पे पेयर इंट्रेक्शन हो रहा है सोशल इंट्रैक्शन हो रहा है तो अगर हम ये दोनों केसेस को देखते हैं तो यहाँ पे सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम की बात हो रही है क्योंकि बच्चे एक्टिवली यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग कर रहे हैं वो पियर इंट्रैक्शन हो रहा है और बच्चे नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविज़्म जो है वो करेक्ट आंसर है यहाँ पे बिहेवियरिज्म या फिर बिहेवियरल ट्रेनिंग नहीं चल रहा है और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस नहीं हो रहा है ये हमने ऑलरेडी देख लिया है और ये ऑपरेंट कंडीशनिंग भी नहीं है मोस्ट क्लासरूम्स इन इंडिया आर मल्टीलिंग्वेल एंड दिस नीज टू बी सीन एज अ डैश बाय द टीचर यानी कि इंडिया में बहुत सारे क्लासरूम्स में बच्चे जो है वो अलग अलग लैंग्वेज के बैकग्राउंड से आते हैं उनका मदर टंग जो है वो अलग अलग होते हैं तो ऐसे मल्टीलिंगुअल जहाँ पे बच्चे अलग अलग भाषाएं बोल सकते हैं या बोलते हैं तो ऐसे सिचुएशन को टीचर क्या सोचना चाहिए क्या ये प्रॉब्लम है नहीं क्या ये बर्डन है नहीं क्या ये ऑब्स्टिकल है नहीं तो ये मल्टीलिंगुअल सिचुएशन जो है वो एक्चुअली एक रिसोर्स है क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी भी है बच्चों को ये अप्रिशिएट करने का कि अलग अलग किस्म के भाषाएं जो है वो इंडिया में बोले जाते हैं इंडिया में कितने सारे लैंग्वेज रिसोर्सेस है तो ये एक रिसोर्स है ये मल्टीलिंगुअल सिचुएशन अगर हम लेगॉजकी के थियरी से इस प्रॉब्लम को देखते हैं इस सिचुएशन को देखते हैं तो लेवेगॉजकी का थियोरी बोलता है कि सोशल फैक्टर्स कल्चरल फैक्टर्स और लिंग्विस्टिक फैक्टर्स ये तीनों जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे के कॉग्नेटिव डेवलपमेंट में तो लैंग्वेज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर एक क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे हैं जो अलग अलग लैंग्वेजेस बोल सकते हैं तो ये डेफिनेटली एक एडवांटेज है एक रिसोर्स है तो ये लेव बाई गॉड्स की के हिसाब से भी ये एक रिसोर्स है ये ऑब्स्टिकल नहीं है बर्डन नहीं है प्रॉब्लम भी नहीं है एन सी एफ टू थाउजेंड फाइव एम्फोसाइज अप्रोच ऑफ लर्निंग एज इट फोकस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग यानी एन सी जो है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को एम्फोसाइज करता है इंपॉर्टेंस देता है क्योंकि वो किस पे फोकस करता है अब एन uh, सी जो है वो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को इनक्रेज करता है और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच क्या है यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बच्चों को जो है इन्फॉमेसन मिलता है अलग अलग सोर्सेज से जैसे कि सोशल सोर्सेज और कल्चरल फैक्टर्स और बच्चे एक्टिवली इस इन्फॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करते हैं कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने दिमाग में तो जब हम सारे ऑप्शंस को देखते हैं तो पहला बोल रहा है कि मेमोराइजेशन ऑफ डेफिनेशन एंड फार्मूले मेमोराइजेशन जो है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच नहीं है यहाँ पे बच्चे कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे हैं सिर्फ कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स को याद करने की कोशिश कर रहे हैं उनको समझ में आए या ना आए वो उसे याद करेंगे तो ये जो है ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच नहीं है नेक्स्ट सबमिशन ऑफ रेगुलर होमवर्क रेगुलर होमवर्क जो है वो एक टास्क है वो उसमें कुछ नॉलेज का कंस्ट्रक्शन नहीं होता क्योंकि आपको पता नहीं चलता कि बच्चों ने एक्चुअली समझा है कि नहीं उन्होंने शायद कहीं से कॉपी करके होमवर्क किया है या फिर किसी और ने उनकी मदद कर दी तो इसलिए होमवर्क कर कंप्लीट कर लिया उन्होंने तो सबमिशन ऑफ रेगुलर होमवर्क जो है वो एक कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का इंपॉर्टेंट पार्ट या फिर एक सिग्निफिकेंट पार्ट नहीं है और लास्ट वाला इफेक्टिव लेक्चर एंड इंस्ट्रक्शन बाई टीचर इफेक्टिव लेक्चर एंड इंस्ट्रक्शन बाई टीचर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन जब हम कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की बात कर रहे हैं तो सिर्फ टीचर अगर एक जगह खड़े होकर लेक्चर दे रही है या फिर लेक्चर दे रहा है तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात नहीं है तो ये भी हम निकाल देंगे ऑप्शन थ्री जो है वो बात कर रहा है एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द टीचर थ्रू एंगेजिंग एक्टिविटीज़ यानी कि टीचर जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है इस टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में यानी कि बच्चे भी एक्टिवली प्रोसेस कर रहे हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एंगेजिंग एक्टिविटीज़ यानी कि इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ की बात हो रही है तो यहाँ पे जहाँ टीचर और बच्चे जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में और एंगेजिंग एक्टिविटीज़ की बात हो रही है तो ये है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच तो एन जो है वो बोलता है कि क्लासरूम में टीचर को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए और एंगेजिंग एक्टिविटीज़ जिससे बच्चों को इंटरेस्ट आए जिसमें बच्चों को इंटरेस्ट बना रहे तो ऐसे एक्टिविटीज होना चाहिए तो ये एन सी करता है प्राइवेट स्पीच इन वाई गॉड्स की थियोरी इज विच ऑफ द फॉलोइंग यानी वाई गॉड्सकी की थियरी के अनुसार प्राइवेट स्पीच इनमें से किसका संकेत है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो प्राइवेट स्पीच के बारे में करेक्ट है अब वाई का थियोरी जो है वो बोलता है कि प्राइवेट स्पीच जो है वो बच्चे सेल्फ रेगुलेशन के लिए यानी खुद के एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं और सेल्फ डायरेक्शन के लिए यानी खुद को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए भी यूज़ करते हैं तो प्राइवेट स्पीच जो है वो एक तरह का थॉट प्रोसेस है जहाँ पे वो अपने दिमाग के अंदर जो चल रहा है उनके जो थॉट्स है उनको लाउडली एक्सप्रेस कर रहे हैं और ये दूसरों के लिए नहीं वो खुद के लिए है फॉर सेल्फ जब हम सारे ऑप्शनस को देखते हैं तो ऑप्शन थ्री बोलता है कि प्राइवेट स्पीच हेल्प्स चिल्ड्रन टू रेगुलेट देयर बिहेवियर वाइल डूइंग कॉम्प्लेक्स टास्क यानी कि कुछ अगर बहुत ही मुश्किल या फिर कोई पेचीदा टास्क वो कर रहे हैं बच्चे तो वो खुद अपने आप से बात करते हैं प्राइवेट स्पीच ताकि वो अपने बिहेवियर को अपना जो काम करने का जो प्रक्रिया है उसको वो रेगुलेट कर सके कंट्रोल कर सके खुद को इंस्ट्रक्शन दे सके तो ऑप्शन थ्री जो है वो वाई की के थियोरी के अनुसार प्राइवेट की स्पीच के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट है ये एगोसेंट्रिसज यहाँ पे वाइगॉट्स की के थियोरी में बात नहीं होती और हिंडर्स चाइल्ड्स एक्शन एंड बिहेवियर यानी उसमें बाधा नहीं होती और इट इज़ एन इंडिकेशन दैट कॉग्निशन इज नेवर इंटरनालाइज ये भी बाई की के थियोरी में डिस्कस नहीं किया जाता तो सिर्फ ऑप्शन थ्री जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है रश्मि यूज ए वेराइटी ऑफ टास्क यानी रश्मि जो है वो एक टीचर है जो कि अलग अलग तरह के टास्क यूज कर रही है एक्टिविटीज यूज़ कर रही है अपने क्लासरूम में ताकि वो अलग अलग स्टूडेंट्स जो है जिनके अलग अलग लर्निंग पोटेंशियल्स है यानी कि वो अलग अलग लेवल्स ऑफ लर्निंग में ऑलरेडी है और उनके सीखने की क्षमता जो है वो भी अलग अलग लेवल पे होती है तो ये वैरायटी ऑफ टास्क को यूज़ करके वो अलग अलग लर्निंग पोटेंशियल्स जिन स्टूडेंट्स के हैं उनको सपोर्ट कर रही है और वो ग्रुप्स भी बना रही है कभी कभी ताकि पियर लर्निंग को वो इनक्रेज कर सके तो यहाँ पर कौन सा थियोरी का इस्तेमाल हो रहा है अब अगर हम देखते हैं तो रश्मि जो है वो एक वैरायटी ऑफ टास्क यूज़ कर रही है यानी यहाँ पे एक्टिव लर्निंग हो रही है और रश्मि भी इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रही है यानी कि यहाँ पे एक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस हो रहा है और उसे अलग अलग लर्निंग पोटेंशियल में जो स्टूडेंट है अलग अलग लेवल में जो स्टूडेंट है उनको सपोर्ट कर रही है यहाँ यानी कि यहाँ पर स्कैफोल्डिंग की भी बात हो रही है और यहाँ पर ग्रुप्स बना रही है वो ताकि पियर लर्निंग हो सके यानी कि यहाँ पर सोशल इंट्रैक्शन भी हो रहा है अब सारे अगर हम ऑप्शंस को कंसिडर करते हैं तो हम यहाँ पे लेव बाई गॉड्स की के सोशियो कल्चरल थियरी की बात कर रहे हैं और सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन टू जो है वो सोशियो कल्चरल थियरी ये करेक्ट आंसर है यहाँ पे यहाँ पे साइकोशेक्शल थियरी की बात नहीं हो रही है और मॉरल डेवलपमेंट थियरी की बात नहीं हो रही है और बिहेवियरिस्टिक थियरी की भी बात नहीं हो रही है अगर हम सारे इन्फॉर्मेशन और जो क्लासरूम में हो रहा है इन सब एक्टिविटीज़ को अगर हम कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है और सोशियो सोशियोकल्चरल थियरी पे ये अप्रोच बेस्ड है स्कैफोल्डिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग थियोरी रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग यानी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो स्कैफोल्डिंग के बारे में करेक्ट है स्कैफ़ोल्डिंग एक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम लेवाई गॉजकी के थियोरी में डिस्कस करते हैं और ये स्कैफोल्डिंग वो सपोर्ट होता है जो टेम्पोरली दिया जाता है बच्चों को जब वो कुछ नया चीज़ सीख रहे हैं जैसे कि अगर बच्चों को एक एक्टिविटी ऑलरेडी आता है वो इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं तो उसमें उनको कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ या फिर कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो बच्चे थोड़ा थोड़ा तो जानते हैं लेकिन उन एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए उनको एक टीचर की या फिर एक अडल्ट की या फिर एक एल्डर की सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो ये जो टेम्पर्ररी सपोर्ट जो लर्नर्स या फिर स्टूडेंट्स को मिल रहा है ताकि वो उस एक्टिविटी या टास्क को कम्प्लीट कर सके और उसमें वो एक्सपर्टाइज़ हासिल कर सके तो यह जो टेम्प्रेरी सपोर्ट है उसे हम स्कैफोल्डिंग बुलाते हैं तो ऑप्शन थ्री जो टेम्प्रेरी सपोर्ट इन लर्निंग की बात कर रहा है वो यहाँ पे करेक्ट है और हाँ ये जो स्कैफोल्डिंग है ये ज़रूरी नहीं कि ये हमेशा अडल्ट के द्वारा ही दिया जाए ये पेयर्स के द्वारा भी हो सकता है जैसे कि अगर एक क्लासरूम में एक बच्चा है जो एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह से जानता है तो वो दूसरे स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर सकता है उनको सिखा सकता है तो स्कैफोल्डिंग जो है वो दूसरे अडल्ट ही नहीं दूसरे स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं पीयर्स भी दे सकते हैं लेकिन यहाँ पे अगर हम सारे ऑप्शंस को देखते हैं तो जो बेस्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन थ्री है जो बोल रहा है कि टेम्प्ररी सपोर्ट इन लर्निंग बाई अडल्ट सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग एम्फोसाइज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग यानी कि जो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग है जो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है थियोरी है वो इनमें से किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है अब सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थियोरी की जब हम बात कर रहे हैं तो ये सोशियो कल्चरल थियोरी से बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड है लेबाइगॉड्सकी का जो थियोरी है उससे ये कनेक्टेड है और लेबाइगॉसकी के हिसाब से बच्चों जो बच्चे जो है वो सोशल फैक्टर्स या फिर सोशल इंट्रेक्शन से उनको इंफॉमेशन मिलता है कल्चरल फैक्टर से इन्फॉर्मेशन मिलता है और लैंग्वेज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस to process to receive information and to process that information into knowledge नॉलेज तो एक यहाँ ek एक hai है कि जब भी हम कोई dekhte देखते हैं constructivist theory ke के बारे में तो इनमें एस सी एल में कोई भी एक ऑप्शन होना चाहिए या फिर इनसे जुड़ा हुआ कोई एक ऑप्शन होना चाहिए अब जब हम सारे ऑप्शन को देखते हैं तो पहला वाला बोल रहा है इंट्रैक्शन्स तो ये इंट्रैक्शन्स जो है वो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ हो सकता है यानी पियर इंट्रैक्शंस ये टीचर्स के साथ हो सकता है फैमिली मेम्बर्स कम्युनिटी मेम्बर्स तो ये जो भी इंटरेक्शंस हो रहे हैं ये सोशल इंटरेक्शंस है तो ऑप्शन वन जो है वो करेक्ट है क्योंकि ये सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी में सोशल इंटरेक्शंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स जो है वो बिहेवियरल सिस्टम में आता है हेरिडिटी एक बायोलॉजिकल फैक्टर है और इनफ्लेक्सिबल पिटोलॉजिकल अप्रोच यानी एक ही तरह के मेमोराइजेशन और रट्टा मारने पे अगर हम फोकस कर रहे हैं तो ये डेफिनेटली सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी पे थियरी के अनुसार करेक्ट नहीं है तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शंस को हम इग्नोर कर सकते हैं तो इंटरक्शंस यानी सोशल इंटरैक्शंस जो है ये करेक्ट आंसर है सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग में स्टूडेंट्स लर्न थ्रू सेल्फ इनिशिएटेड एक्टिविटी वाइल

एक्टिवली लर्न कर रहे हैं या फिर नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे सोशल इंट्रैक्शन हो रहा है पीयर इंट्रैक्शन हो रहा है तो ये सारे जो है वो क्लूज़ है जो हमें बताते हैं कि यहाँ पे सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की बात हो रही है बिहेवियरिस्टिक की नहीं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की नहीं और एक्सपोजिटरी टीचिंग की भी नहीं यहाँ पर सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म या फिर सोशियो कल्चरल थियरी की बात हो रही है तो ऑप्शन थ्री जो है वो करेक्ट है और इसी के साथ हमने इस पार्ट के फिफ्टीन क्वेश्चन को कम्प्लीट कर लिया है बाकी क्वेश्चन हम अगले पार्ट में कम्प्लीट करेंगे अगर आपके कुछ क्वेश्चन कॉमेंट्स या फीडबैक है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा बाकी आपको मालूम है क्या करना है तो मैं आपसे फिर से मिलता हूँ अगले पार्ट में टिल देन टेक केयर स्टे सेफ